गुड इवनिंग बच्चों, सुपर 60 एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और ये वर्ब के कॉन्सेप्ट पर मेरा अंतिम पार्ट, यानी सीरीज का अंतिम पार्ट, वर्ब के कॉन्सेप्ट पर ये मेरा सातवां पार्ट है, जिसमें मैंने 111 तक के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा चैप्टर, और फिर उस पर उसके कॉन्सेप्ट पे, यानी उस पर जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको दिए गए होंगे, कॉमन एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, या फिर सेंटेंस फिलर्स के, वो सारे मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा सात पार्ट के रूप में वर्ब का कॉन्सेप्ट पर आधारित जो पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड मॉडल है तैयार है, ये आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे, आपसे रिक्वेस्ट होगी 9 बजे मेरा एडिटोरियल सेक्शन आज से शुरू हो गया है, जिसमें एक दिन एडिटोरियल होगा। तो जस्ट अगले दिन उसी एडिटोरियल पर मैं आपको अपने से एक्सरसाइज बना के दूंगा, जिसमें आपको पूरे वर्ड्स पर सरनेम्स वगैरह मैं चेक करूंगा आपने तैयार किए कि नहीं, और कॉमन एरर्स भी दूंगा। आगे इसमें और भी चीजें जुड़ जाएंगी, ये बेहतर रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एडिटोरियल के साथ आपको इस आजमाइश को भी करना जरूरी है कि आप उसे समझते हैं या नहीं, और उसका एग्जाम्स में आपको क्या फायदा हो रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका, द बैंक एम्प्लॉइज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट। मैंने कहा हुआ है वर्ब के कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, टफ हैं, वो सारे मैंने यहां दे दिए। तो जैसे ही वाक्य आपने देखा होगा, द बैंक एम्प्लॉइज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, क्या यहां हैव की आवश्यकता है आपको? क्या यहां कहीं से भी आपको पास होने का भाव है? नहीं ना, क्योंकि हैव के बाद देखिए कोई वर्ब नहीं आए, ऑलवेज वेरी पंक्चुअल आ गया, एडजेक्टिव आ गया, यानी यहां पर हैव आपकी मेन वर्ब के रूप में, और जब हैव मेन वर्ब के रूप में होता है तो उसके हिंदी हो जाती है पास होना। तो क्या यहां ये सेंस है कि वो बैंक एम्प्लॉइज जो है उनके पास पंक्चुअल और ऑनेस्ट है, या वो पंक्चुअल और ऑनेस्ट है? तो होने के सेंस में बी होता है, तो बी के अनुसार यहां पे द बैंक एम्प्लॉइज के लिए यहां पे जहां पे हैव है, ये यहां पे क्या हो जाएगा, समझ आया आपको? यहां हो जाएगा आर, ये हो जाएगा, यानी द बैंक एम्प्लॉइज आर ऑलवेज वेरी पंक्चुअल एंड ऑनेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा सामने आपके, माय फादर हैज ऑलवेज हैड A curious habit which I could never understand of consulting astrologers. My father has always had a curious habit. मेरे पिता की हमेशा एक अजीब सी आदत रही है, which I could never understand, जो मैं कभी नहीं समझ पाया। कौन सी आदत? A curious habit of consulting एस्ट्रोलॉजर्स। कौन सी आदत? कि वो एस्ट्रोलॉजर्स, यानी जो हाथ देखने वाले होते हैं, पामिश वगैरह, उन एस्ट्रोलॉजर्स से उनकी कंसल्ट करने की आदत रही है। अब देखते हैं चीज। माय फादर हैज, हैज है ना, हैज के बाद हमेशा अगर वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म में आनी चाहिए, है, हैड। अगर आपको लग रहा है कि हैड कैसे आ गया, तो आप ही समझे, यहां हैव आपकी क्या है, मेन वर्ब है बच्चों। ये हैव क्या है? मेन वर्ब। कैसे? हैव अ क्यूरियस हैबिट, यानी एक अजीब सी आदत होना, और वो आदत पहले से है, तो हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव। तो क्या, माय फादर हैज ऑलवेज हैड, जैसे आप कोई कहे ही हैज हैड हिज लंच, तो हैव लंच मीन्स क्या होता है? भोजन करना। तो he has had, ये had कौन सा है?
हैव किस परफॉर्म. वैसे माय फादर हैज ऑलवेज हैड अ क्यूरियस हैबिट. हैबिट यहां काउंटेबल सिंगुलर है इसलिए यहां ए लगा आपका. तो माय फादर हैज ऑलवेज हैड अ क्यूरियस हैबिट. मेरे पिताजी की हमेशा एक विचित्र अजीब सी आदत रही है विच आई कुड नेवर अंडरस्टैंड. यहां देखिए कुड है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है, जो मैं कभी नहीं समझ सका. क्या आफ्टर कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कि उनकी जो आदत रही है वो है एस्ट्रोलॉजर से क्या करना, सलाह मशवरा करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा प्रश्न. आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड बच्चों आगे ही ना बढ़े. क्या आप कहेंगे आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट वर्ब है. जब स्टेट वर्ब है तो बीइंग के साथ आप इसे ना बनाए क्योंकि इसकी हिंदी देखिए क्या हो जाएगी. आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित तो हो रहा था, ये सेंस है, या मैं आश्चर्यचकित हो गया. सो आगे ना बढ़े, आप ये तुरंत समझ जाएं, देयर इज नो नीड ऑफ बी, है ना. तो जाएगा आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया. कब, वेन, जब आई हियर, मैंने सुना दैट की ही हैड लेफ्ट द कंट्री, कि उसने देश छोड़ दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ अस, हमें से किसी को भी सूचित किए बगैर. ठीक है, तो यहां पे एस्टोनिश के साथ बीइंग का प्रयोग न आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न. ड्यू टू अनसर्टेन कैपिटल मार्केट कंडीशंस, ड्यू टू समझ रहे होंगे के कारण. नॉर्मली इसे वाक्य के बीच में नाउन फ्रेज के पहले रखते हैं, बट आप शुरू कर सकते हैं इससे बेहतर ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, या बिकॉज ऑफ भी होता है. ड्यू टू अनसर्टेन कैपिटल मार्केट कंडीशन, यहां पर देखिए नाउन फ्रेज ही एक्चुअली आपका बट शुरू में है, यानी ड्यू टू अनसर्टेन अनिश्चित कैपिटल मार्केट कंडीशन, यानी जो पूंजी बाजार की स्थितियां हैं, देयर हैज बीन, उनके कारण देयर हैज बीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन बैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट्स में बहुत अधिक क्या हुआ है, सुधार हुआ है, उन्नति हुई. There has been a tremendous growth. उन्नति हुई है, हुई है, हुई है, present perfect. Present perfect में जब आप जाएंगे तो हुई है, होने के sense में क्या लिया आपने, be. और present perfect में has के बाद कौन सी form आएगी, verb की third form. तो be की third form क्या होती है, been. यानी यहां been ही क्या है, main verb है, और has क्या है आपकी, helping verb. बाकी देखिए कोई यहां पे एक्शन वर्ब नहीं आता, इसका मतलब ये वाक्य पहले से ही क्या है, सही है. जैसे आपको कहना हो वह ईमानदार रहा है तो ही हैज बीन ऑनेस्ट, वह बीमार रहा है ही हैज बीन सिक, वह नेता रहा है ही हैज बीन अ लीडर, ऐसे आप यूज करिए. ऐसे ही देयर हैज बीन ट्रिमेंडस ग्रोथ, यानी निरंतर क्या हुई है, उन्नति हुई है, ग्रोथ हुई है, अर्थात ग्रोथ होती रही है. किस वजह से, ड्यू टू अनसर्टेन कैपिटल मार्केट कंडीशंस. चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न है, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू. ईमानदारी हमेशा रही है एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहेगी, अ ग्रेट वर्च्यू, एक बहुत महान गुण. देखिए ऐसा प्रश्न बहुत जरूरी तैयार कर, देखिए इसे अच्छे समझे आप, समय लीजिए. देखिए बच्चों ऑनेस्टी ऑलवेज हैज के बाद एंड आ गया, एंड मतलब अगली क्लास, अर्थात ये क्लास यहीं तक क्या हो गई आपकी, सिमट गई यहां तक. Honesty always has and will always be. Be के बाद देखिए यहां पे कोई भी आपकी एक्शन वर्ब नहीं, अर्थात be ही क्या क्या है यहां पे, मेन वर्ब है. अगर be मेन वर्ब है तो will यहां पे क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है. अब
विल के साथ तो आपने ऑलवेज और बी ले लिया, लेकिन यहां हैज के साथ आपने कोई वर्ब नहीं ली, और यहां हैज मेन वर्ब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी ऑलवेज हैज, ईमानदारी के पास, क्या ईमानदारी के पास, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं। तो ये जो बी है आपकी ना, ये कॉमन वर्ब है, ये विल के साथ भी है और यही बी किसके साथ है, हैज के साथ भी, लेकिन हैज के साथ गायब कर दिया गया, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हैज के बाद क्या लेना होगा, बीन लेना होगा। क्या लेना होगा? बीन। अब देखिए वाक्य क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज बीन, यानी ईमानदारी हमेशा रही है, अब रही है वाला भाव आ गया ना, एंड विल ऑलवेज बी, यहां हैज के साथ बीन क्यों हुआ, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहां बी क्यों रह गया, क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सही है ना। ऐसे एग्जाम्स में आपको दे जाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूं, देखें, आई हैव एंड आई विल गो, ठीक, आई हैव एंड आई विल गो, यहां हैव मेन वर्ब नहीं बच्चों, ये जो गो है ना, विल गो, ये कॉमन है, बस हमारी गलती क्या हुई, हमने हैव और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक वर्ब गो ले लिया, बिना ये ध्यान दिए कि हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल के साथ तो इसकी कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन हैव के साथ इसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो फिर गो को हैव के साथ भी रखना होगा। तो अगर आई हैव और गो के साथ क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं आप बच्चों, गॉन हो जाएगा, यही ना, तो आई हैव गॉन एंड आई विल गो, यही सेंस यहां भी आपका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां प्रश्न है, ये छठवां प्रश्न, हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी फॉरेन सर्विसेज में लंबे समय तक होने के कारण मिस्टर वर्मा हैज मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, मिस्टर वर्मा हैज मेट, मिले हैं मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, बहुत सारी प्रमुख हस्तियों से, यानी लंबे समय तक फॉरेन सर्विसेज में रहने के बाद, है ना। अब यहां हैविंग के साथ बच्चों क्या है, हैविंग हैड, हैविंग के साथ हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड तो सही होना चाहिए, लेकिन हिंदी देखे ना, हैविंग हैड इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर लॉन्ग टाइम, यानी फॉरेन सर्विसेज में हैविंग हैड लंबे लंबे समय तक पास रहने के बाद, क्या यहां पास रहने के बाद वाला भाव है मेन वर्ब के रूप में, या लंबे समय तक फॉरेन सर्विसेज में रहने के बाद, होने के बाद, तो होने के सेंस में हमको यहां क्या चाहिए, बी चाहिए, और हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां हैड नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहां बीन हो जाएगा, यही ना, तो हैविंग बीन इन द फॉरेन सर्विसेज, अगर पास होने वाला भाव होता तब हो जाता हैविंग हैड, बट यहां होने के सेंस में, मैंने कई बार कहा होने के सेंस में बी का प्रयोग करें टेंस के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सातवां प्रश्न आपके सामने है, आई हैड हैड टू वर्क एट द फाउंटेन, यानी फाउंटेन पर मुझे कार्य करना पड़ा फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, कितने समय तक, करीब 10 घंटों तक, बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, इससे पहले कि वो सही तरीके से कार्य करना आरंभ करे, ठीक है, स्टार्ट के बाद देखिए फंक्शनिंग वेल, यानी फंक्शनिंग में, फंक्शन में आएंगे जोड़, जैसे इट स्टार्टेड रेनिंग, ही स्टार्टेड वीपिंग, शी स्टार्टेड लाफिंग, ऐसे। तो आई हैड हैड टू वर्क एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, ये याद करें बच्चों, बिफोर के बाद वाली क्लास कौन से टेंस में होती है, पास्ट परफेक्ट,
और बिफोर के बाद वाली क्लास किसमें होती है? पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म। तो आई हैड हैड टू, अगर आपके मन में आ रहा सर दो दो बार हैड टू, तो पहले ये वाक्य देखें, आई हैड टू गो, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, ये हैड देख करके कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहां हैड टू गो जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है, मुझे जाना पड़ा, मॉडल के रूप में यहां पे हैव टू की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और आपको चाहिए पास्ट परफेक्ट, तो फिर अगर पास्ट परफेक्ट चाहिए तो बाकी क्या होना पड़ेगा आपको, आई हैड हैड टू गो, वैसे यहां पे आई हैड हैड टू वर्क, यानी मुझे कार्य करना पड़ा था एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट फाउंटेन पर लगभग 10 घंटों तक, बिफोर यानी बिफोर की पहले वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और ये हैड टू आपका हैव टू की यहां पे थर्ड फॉर्म, तो आई हैड हैड टू वर्क, अगर आपके मन में आ रहा हो बच्चों की यहां वर्क कैसे है, तो ये इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव के साथ वर्क की कौन सी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म, देखिए उसने कैसे पूरा किया, पास्ट परफेक्ट का हैड लिया बिफोर की वजह से, पास्ट परफेक्ट का हैड लिया और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव टू को चेंज किया हैड टू में और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन, ठीक है, चलिए कोशिश करें, न समझ में आए दो बार तीन बार देखें, जरूर धीरे धीरे हर अगली बार आप बेहतर समझेंगे बच्चों। आठवां प्रश्न हमारे सामने आ गया, इफ आई वर इन हिज शूज, बी इन वंस शूज मीन्स होता है समवन शूज मीन्स किसी के स्थान पर होना, If I were in his shoes, यदि मैं उसके स्थान पे होता, I would die with shame, तो मैं शर्म से मर जाता। आपको याद होगा बच्चों, जो if वाली क्लास होती है suggestion के सेंस में, मीन suggestive कह सकते हैं आप, या imaginary जो क्लास होती है उस क्लास को हमको past indefinite में यूज करना होता है, और दूसरी क्लास में would, could या might का प्रयोग करना होता है, सही है, तो यहां पास्ट इंडेफिनिट, यदि मैं उसके स्थान पर होता, होने के लिए आप क्या लेंगे बच्चों, होने के लिए आप क्या लेंगे, बी ये लेंगे ना, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट इफ वाली क्लास में लगाना है तो बी की सेकेंड फॉर्म याद है ना आपको, वाज और वर, तो यहां वाज और वर आना चाहिए, अगर आपके मन में आ रहा हो कि इफ के साथ आई के साथ वर कैसे आया, क्योंकि जब वास्तविक अवस्था होती है तो आई वाज होती है, लेकिन जब कंडीशनल क्लास होती है, कंडीशन शो की जाती है, वहां पे सिंगुलर आई वाज नहीं, प्लूरल यूज करिए पास्ट इंडेफिनिट का, तो वाज का प्लूरल क्या होता है, वर, यानी ये वर ध्यान रखिए, बहुत सारी किताबें बच्चों जहां बताया जाता है कि ऐसी क्लासेस में वर का प्रयोग कर ले, इससे बेहतर आप याद कर ले कि ऐसे क्लासेस में पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म यूज करें, तो पास्ट इंडेफिनिट में होना बी मीन्स होगा, यदि मैं राजा होता, यदि मैं उसके स्थान पर होता, होना बी मीन्स हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो बी की सेकेंड फॉर्म क्या हुई, वाज और वर, लेकिन यहां पे वास्तविक अवस्था नहीं, ये कंडीशन आपकी है, इमेजिनरी है, इसीलिए यहां वाज न लेकर क्या लेते हैं, आई ही शी और इट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दूसरी क्लास में देखें, आई के साथ वुड लगा है, वुड के साथ वर की फर्स्ट फॉर्म, सही, यानी यहां नो एरर है आपका, समझिएगा बच्चों, और अगर समझिएगा अच्छा लगे तो जरूर इन वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सके। चलिए नवा प्रश्न हमारे सामने है, टू अक्वायर मास्टरी ओवर कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर ऑपरेशंस पर क्या उसे कहते हैं आप, निपुणता प्राप्त करने के लिए, मास्टरी कौशल प्राप्त करने के लिए, वन मस्ट हैड पेशेंस, वन मस्ट हैड बच्चों, वन मस्ट हैड, सोच के देखें, मस्ट हैड, किसी भी मॉडल के साथ ग्रामर में ऐसी कोई अवस्था नहीं बनी आज तक जहां पे मॉडल के साथ आप वर्ब की सेकेंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म नहीं है बच्चों, कभी नहीं हो सकता है, वजह मैं आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, एक्चुअली मॉडल्स जो है ना वो मां की तरह होती है, और आप सोचें, मान लीजिए आपकी मम्मी यहां पे खड़ी है और आप उनके बगल में इस साइड में खड़े हैं,
इधर से तूफान आए, आंधी आए, पानी आए, ओले पड़े, कुछ भी आग बरसे, लेकिन आपकी मम्मी के रहते आप पर कभी आंच नहीं आए। मॉडल्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। मॉडल्स के बाद जो वर्ब आएंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जितने भी बदलाव होंगे वो मॉडल्स बियर करेगी, यानी वो विल का वुड हो सकती है, कैन का कुड, मे का माइट हो सकती है, मस्ट का हैड टू हो सकती है, लेकिन उसके आगे जो वर्ब है वो हमेशा मूल रूप में रहे। वैसे ही जैसे सभी परेशानियों को खड़े रहकर आपकी मम्मी झेल सकती है, वो सारी प्रभाव को ग्रहण करेंगी लेकिन अपने बच्चे पर कभी भी कोई आंच आने नहीं देंगे। वैसे ही ये मॉडल जो है मस्ट कैन कुड, इसके बाद वर्ब हमेशा मेन वर्ब में होगी। और मैंने कहा मस्ट तो मॉडल है ना, तो मेन वर्ब आनी ही है, तो है यहां मेन वर्ब है बच्चों, तो अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब तो हैव होती है ना यहां पे फर्स्ट फॉर्म में, तो मस्ट के बाद हैड नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके हिंदी भी आपको समझा दे रहा हूं। टू अक्वायर, प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए, मास्टरी, निपुणता ओवर कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर ऑपरेशन पर निपुणता प्राप्त करने के लिए, वन, वन यहां इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, वन मस्ट हैव पेशेंस, एक व्यक्ति के पास धैर्य होना चाहिए, एंड रेडीनेस, और मतलब ईगरनेस होनी चाहिए, मीन्स एक तरह की तैयारी होनी चाहिए टू वर्क हार्ड, कि वो कठिन परिश्रम करने के लिए क्या रहे, हमेशा तैयार रहे, ठीक है, उत्सुक रहे। चलिए बच्चों, दसवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है इसलिए आपको आराम मिलेगा। टेंथ प्रश्न आ गया, जनरली सामान्यतः पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव, लोग रिसेप्टिव नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे वो आप कॉमन सेंस बढ़ाइए, लोग रिसेप्टिव नहीं होते हैं, कहीं यहां पास होने वाला भाव है, पास उनके पास नहीं होता रिसेप्टिव, या वो ग्रहणशील नहीं होते हैं, यानी सामान्यतया लोग ग्रहणशील नहीं होते हैं। होने की मीनिंग क्या होती है बच्चों, बी, तो पीपल के साथ बी की अगर आप फॉर्म लेंगे तो वो पीपल के साथ फॉर्म क्या आएगी, समझ सकते हैं क्या आएगी, आर आएगी, ये होगा ना, यू आर ऑनेस्ट, यू हैव ऑनेस्ट नहीं, यू आर ऑनेस्ट। तो जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, सामान्यतः लोग ग्रहणशील नहीं होते हैं, एंड फेल टू नोटिस, देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फेल देखिए फर्स्ट फॉर्म में पीपल के अनुसार, एंड फेल टू नोटिस द इरिलेवेंट आंसर्स, और उन अतार्किक असंगत आंसर्स को नोटिस करने में असफल हो जाते हैं, दे गेट फॉर स्ट्रेट क्वेश्चंस, जो आंसर्स वो अपने सीधे प्रश्नों के जवाब में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पे पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव नहीं हो, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव नहीं होते हैं, होने के अर्थ में हैव नहीं होता है, पास होने के अर्थ में हैव होता है। चलिए ये 11th क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने, 11th प्रश्न, हियरिंग द टोन ऑफ माय कोलीग्स वॉइस, यानी अपने सहकर्मी के आवाज की टोन को, यानी उसके बोलने के ढंग को सुनकर, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस कर लिया दैट कि He was upsetting about something. Upset वगैरह को, understand को, belong को, cost को, prefer को, please को, own को, have को, normally, hate को, love को, और भी please को, displease को, believe को, disbelieve को, इनको normally, normally मैं कह रहा हूं ing form में नहीं करते हैं, think को भी, consider को भी ing form में normally न करें। ठीक है, तो वैसे यहां पे है He was upsetting about something. क्या कैसे कहेंगे, वह किसी चीज के बारे में अपसेट हो रहा था, या वह अपसेट था, यानी यहां हमको आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, तो he was upset, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, अपसेट मीन्स क्या होता है, जो उखड़ा उखड़ा सा हो, तो he was upset about something, नहीं आपने गाना सुना है उखड़ा उखड़ा रहता है, दिस इज अपसेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न आपका, आई एम गोइंग टू हैव, सही ना, ये आई एम गोइंग टू हैव, गोइंग टू हैव टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट,
आप में से कुछ बच्चों ने कॉजेटिव वर्ब पढ़ी होगी, ठीक है। तो हैव समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा होते हैं, जैसे आई हैव हिम कॉल्ड, आई हैव दिस लेटर रिटेन, है ना। तो आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, और इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी अटेस्ट, क्योंकि आप अटेस्ट कर नहीं रहे, करवा रहे किसी और के द्वारा, पैसिव वॉइस का सेंस है। जब पैसिव वॉइस का सेंस है तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। ये पॉजिटिव वर्ब में है जो आगे कभी मैं पढ़ाऊंगा, या अगर आप मेरी वीडियोस पे जाएंगे वीडियो सेक्शन में, वहां पॉजिटिव वर्ब आपको मिल जाएंगे। आई एम गोइंग टू हैव द सर्टिफिकेट अटेस्टेड, देखिए बाई है ना पैसिव वॉइस में, बाई द डायरेक्टर। मैं अगर चाहूं तो मैं इसे एक्टिव वॉइस में बना सकता हूं, जो बहुत कम किताबों में आप मिलेगा, कुछ किताबों में आप मिलेगा, बट इसका एक्टिव वॉइस का भाव नहीं दिया गया होता। ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्यों को हम सेमी पैसिव कहते हैं, सेमी पैसिव, फुल पैसिव है, सेमी पैसिव कहते हैं, हम इसे एक्टिव में ऐसे बदल सकते हैं। आई एम गोइंग टू हैव द डायरेक्टर अटेस्ट दिस सर्टिफिकेट, ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू हैव द डायरेक्टर अटेस्ट, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि करने वाले को मैंने पहले रख लिया, जबकि यहां करने वाला देखिए बाद में, पैसिव वॉइस बाय द डायरेक्टर। ओके, इसे समझने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी पॉजिटिव वर्ब। चलिए नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है, 13th क्वेश्चन। आवर इक्विपमेंट, हमारा जो औजार है इंस्ट्रूमेंट, गेट्स डैमेज, या गेट्स खुद क्या है, थर्ड, अरे वर्ब के रूप में है ना, तो वर्ब के रूप में फिर कैसे वर्ब लेंगे आप, मेन वर्ब डैमेज, और यहां डैमेज का मतलब क्या है, खराब, खराब के सेंस में, खराब होना नहीं होता है, खराब के सेंस में डैमेज्ड हो जाएगा ना, तो रहेगा आवर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड, हमारा इक्विपमेंट खराब हो जाता है। ये कौन सा सेंस आपका है, इनकोएटिव, जहां जैसे आप में से कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े होंगे उन्हें लगता है कि कम मेंस आना होता है, गो मेंस जाना होता है, गेट मेंस पाना होता है, ग्रो मेंस बढ़ना होता है, और फॉल मेंस गिरना होता है, रन मेंस दौड़ना होता है बच्चों, लेकिन ऐसा ही नहीं। आप अगर अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कम मेंस होना भी होता है, गो मेंस होना भी होता है, फॉल मेंस होना भी होता है, रन मेंस होना भी होता है, और भी गेट मेंस होना भी होता है, ग्रो मेंस होना भी होता है। इन्हें इनकोएटिव सेंस में आप यूज करते हैं। ये आप मेरे जो बच्चे पढ़े होंगे मेरे से उनकी नोट्स में जरूर होगा। चलिए, तो आवर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड हो जाएगा, एडजेक्टिव की आवश्यकता आपको है। चलिए, और यहां से देखें बच्चों आप, ये सेंटेंस फिलर, दो तीन क्वेश्चन केवल है, देख लें आप, और फिर ये पूरा वर्ब के कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। देखें, ये 14th क्वेश्चन है आपका, और आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपका। यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटीज व्हेन इट कम्स, वैसे यहां अपॉर्चुनिटीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है तो यहां दे होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी है तब यहां पे इट होता, ये शायद किताब की मेरी गलती होगी, यहां आपको यहां देखना है इन चारों शब्दों में से कौन सा बेस्ट होगा। इसके लिए चारों वर्ब्स की हिंदी आपको जाननी होगी, मैं समझा रहा हूं। जो पहला सीज है, इस सीज मींस होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, अंत हो जाना। दूसरा सेंस मींस किसी चीज का अनुमान लगा लेना, सेंस कर लेना। तीसरा सीज है जकड़ लेना, पकड़ लेना, ग्रैस्प कर लेना। और चौथा साइज है बच्चों, साइज मींस किसी चीज का आकार होना। तो अपॉर्चुनिटीज को हम क्या अंत कर देंगे, नहीं, अपॉर्चुनिटीज को क्या हम सेंस करते हैं, ऐसा लगता है क्या कि कोई अवसर आ रहा है, ऐसा नहीं ना, हम अपॉर्चुनिटीज को झपट लेते हैं, कहते हैं ना अवसर को जाने ना दें। तो यहां बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटीज। आपको अवसरों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें पकड़ लेना चाहिए, व्हेन दे कम, जब वो अवसर आपके पास आते हो। ओके, ये आपका 15th क्वेश्चन आपके सामने है। वी मस्ट डैश आवर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस,
बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए, गोद ले लेना चाहिए, नहीं, एडेप्ट कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए, अनुकूल बना लेना चाहिए, एक्लिमेटाइज कर लेना चाहिए। एडेप्ट कर, ये तो वर्ब है ही नहीं ना, याद करें ये एडजेक्टिव है आपका, एडेप्ट क्वेश्चन। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं ना, याद आ गया होगा आपको। हमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो ढाल लेने की मीनिंग बच्चों आपको जरूर याद होगी, ये होता है एडेप्ट होता है। और एडेप्ट के साथ हमेशा देखे क्या लगाते हैं आप, टू लगाते हैं एडेप्ट के साथ भी, और इस एडेप्ट के साथ भी एक्ट लगाते हैं। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आपका है 16th क्वेश्चन आपका, ये देखिए बच्चों, द सन डैश ब्राइटली, कौन सा ऑप्शन सही होगा, द सन शोन ब्राइटली, या द सन शाइन ब्राइटली, या शाइनिंग, या इस शाइन, कौन सा होगा। देखिए आप एलिमिनेटिंग सिस्टम चाहेगा, कैसे एलिमिनेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो गलत है वो छांट लो, द सन शाइन कभी नहीं हो सकता है, सिंगुलर है ये, सन सिंगुलर है ना, तो शाइन कैसे होगा। द सन शाइनिंग कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें वर्ब चाहिए, और ये बिना इज एम आर वाज वर्ब के कैसे आएगा, शाइनिंग कभी नहीं हो सकता है। द सन इज शाइन कभी नहीं हो सकता है, शाइन तो वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब में आई जी के बिना या थर्ड फॉर्म बिना कैसे बना सकते हैं, तो हो गया ना आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म शाइन की सेकेंड फॉर्म शोन, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म द सन शोन हो जाएगा, द सन शोन ब्राइटली, क्लियर है। तो बच्चों ये हमारा वर्ब के कॉन्सेप्ट पर प्रिंसिपल वर्ड, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स से संबंधित 111 क्वेश्चंस जो दिए गए थे अब तक, वो सारे मैंने यहां सॉल्व करा दिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस वही थे जो एग्जाम्स में दिए गए थे, तो आप जरूर इन्हें पार्ट वन से पार्ट 7 तक पूरा तैयार कर लें। इसके आगे फिर मैं अगला कोई टॉपिक चूज करूंगा और उस टॉपिक पर भी मैं पूरा, यानी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, कॉमन एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। यहां भी मैंने लगभग पूरे क्वेश्चंस आपको दिए, तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप जो मेरा एडिटोरियल का सेक्शन चल रहा है उसे जरूर देखें, एक दिन एडिटोरियल पढ़ें और उसके जस्ट अगले दिन उस पर दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जिसमें आप मेरा अनुभव देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में जरूर काम आएगा। जो भी बच्चे पहली बार हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से वो बच्चे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अपने टीचर को भी सपोर्ट करें आप, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके, नेक्स्ट सीरीज लेकर के आपको, ताकि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी आप पूरी तरह से समझ सकें। अगर वर्ब के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझना है तो पार्ट 1 से 7 तक पूरा इसे देखेगा शुरू से, बीच बीच में मैंने समझाया भी, आपको पढ़ाया भी है, वो भी देख लीजिएगा। वर्ड्स भी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने वहां दिए हुए हैं वर्ब के रूप में, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, मीन्स अगले सेगमेंट के लिए अलविदा, लेकिन आप एडिटोरियल मेरा है देखते रहिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।